अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। पिछले कुछ दिनों से पत्रकार और पुलिस के बीच हो रहे मतभेद पर बुधवार को देवघर सूचना भवन के सभागार में पत्रकारों की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में पत्रकारों के हित के लिए काम करने वाले जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष जेम्स कुमार नवाब, देवघर प्रेस क्लब के महामंत्री राकेश करमहे, प्रोफेसर रामनंदन सिंह के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के दर्जनों पत्रकार शामिल हुए। दरअसल देवघर एसपी के आदेश के बाद से थाना में पत्रकारों के प्रवेश को रोक दिया गया है। पत्रकारों की इस बैठक में सर्वसम्मति से पत्रकारों के हित के लिए 5 प्रस्ताव पारित किए गए। देवघर से गुड्डू झा की रिपोर्ट। सूचना भवन के सभागार में आज देवघर के पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विषय नगर थाना में पत्रकारों को समाचार संकलन से रोका जाना था, जिसको लेकर सभी पत्रकारों ने एक सुर में निंदा प्रस्ताव पारित किया एवं एसपी से मांग किया है कि पत्रकारों को भीड़ का हिस्सा नहीं समझा जाए, उन्हें समाचार संकलन करने से नहीं रोका जाए। साथ ही कहा गया है कि जब भी पत्रकार कभी समाचार लेने जाते हैं तो पत्रकारों की आड़ में मोबाइल धारक भी समाचार लेने लग जाते हैं, इससे व्यवधान उत्पन्न होती है, इस प्रथा पर रोक लगाई जाए और साथ ही पत्रकारों के साथ ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, नहीं तो देवघर के पत्रकार आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।